हैं। बाकायदा उन्होंने अब से चंद लम्हे पहले इसका इफ्तिताह कर दिया है। ये मनासर आपको बराह रास्त लाहौर से दिखा रहे हैं, जहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मॉरल बाजार की अपग्रेडेशन की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हैं। अब से चंद लम्हों पहले उन्होंने बाकायदा इस बाजार की अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया है और ये मनाजिर आप बराह रास्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मॉरल बाजार अपग्रेडेशन की तकरीब में मौजूद हैं और इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि वो जो इस हवाले से ऐप का इजरा किया गया है, टेलीफोन ऐप, उसका भी बाकायदा इफ्तिताह कर रही हैं। उनको इस बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। आपको बताते चलें कि इसमें फ्री होम डिलीवरी के साथ और भी बहुत सारी सहूलियात जो हैं मैसर आएंगी, आवाम इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मॉरल बाजार की अपग्रेडेशन की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शरीक हैं। अब से कुछ देर पहले उन्होंने बाकायदा इसकी अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया और अब उनको इस के हवाले से जो एप्लीकेशन बनाई गई है, डिजिटल एप्लीकेशन, उसके बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। और आपको बताते चलें कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए आवाम मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। और आपको ये बराह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं टाउनशिप मॉडल बाजार की अपग्रेडेशन की तकरीब के, जहां पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज इस वक्त बतौर मेहमान खसूसी शरीक हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने बाकायदा तौर पर इस अपग्रेडेशन का इफ्तिताह किया है और अब इस वक्त जो है उस हवाले से, इसके अपग्रेडेशन के हवाले से और इसमें मौजूद सहूलियात के हवाले से जो ऐप का इजरा किया गया है उसका बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं लाहौर से, जहां पर टाउनशिप में मॉडल बाजार का इफ्तिताह अब से कुछ ही देर पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किया। वो इस वक्त भी तकरीब में मौजूद हैं और उनको इस में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल खोखर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडल बाज़ारों को चलाया है और अभी जो मैं मॉडल बाज़ार जिसका मैं इफ्तिताह करके आई हूँ, जिसको आपने अपग्रेड किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि आवाम की सहूलत के लिए, उनकी आसानी के लिए आपने मॉडल बाज़ार को एक मॉडल बना के जो है वो लोगों के लिए पेश किया है। मुझे पूरा, मैंने जब राउंड किया, लोग मिले जो यहाँ पर आए हुए थे ख़रीदारी करने के लिए, स्पेशली ख़वातीन, तो सब ने तारीफ़ की मॉडल बाज़ार की, सब ने उन सहूलतों की तारीफ़ की। बैठने की जगह है, साया है, लोगों को फैसिलिटेट करने का तरीका है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिल से बहुत शाबाश देती हूँ। और फिर जो डीसी रेट्स हैं उनसे भी कम रियायती कीमतों पर जो जो चीज़ भी एक किचन चलाने के लिए महंगाई के दौर में आप कर सकते थे, आपने किया। मैं जो आपके साथ मेरी एक बात हुई हुई है कि आपने आवाम की सहूलत के लिए जिन शहरों में मॉडल बाज़ार नहीं है, आपने उनमें भी ये मॉडल बाज़ार जो हैं वो बनाने हैं, और उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है, ज़मीन हमने आइडेंटिफाई कर ली है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी तमाम शहरों में, पंजाब के तमाम अज़ला के अंदर हम ये मॉडल बाज़ार बनाएंगे, तमाम मॉडल बाज़ारों को अपग्रेड करेंगे, आवाम की सहूलत पैदा करेंगे, आवाम के लिए आसानी पैदा करेंगे। लोग बहुत खुश हैं, मुझे जितनी भी आवाम आज जिस मुलाकात हुई है वो बहुत खुश थे, और मेरे लिए बतौर वज़ीर आला पंजाब आवाम की खुशी से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि मेरे लिए कोई फीलिंग हो सकती है। इसलिए आज जितने वो खुश थे उनसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, तो इसका सेहरा जो है वो आपको जाता है, इसका क्रेडिट आपको जाता है। मुझे इस बात की भी खुशी हुई, यहाँ सीनियर मिनिस्टर बैठी हुई हैं जिनको एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम कर रही हैं। शायद आपने देखा होगा कि आज आपको प्लास्टिक बैग्स नज़र नहीं आए, लोगों ने वो जो कपड़े के बैग्स हैं
वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे। और ये भी मुझे देख के खुशी हुई कि यहाँ माजूर अफराद के लिए, स्पेशल अफराद के लिए व्हील चेयर्स भी मौजूद थीं, और जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनमें स्पेशल अफराद के लिए स्पेशल पब्लिक टॉयलेट्स भी थे। जगह जगह बेंचेस लगे हुए थे, कैनोपीज लगी हुई थी ताकि लोग आराम से इस गर्मी के मौसम में सांस ले सकें। ट्रॉलीज़ मौजूद थी जिसके अंदर लोग शॉपिंग कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह मैं चाहती हूँ कि आवाम की जो खिदमत है इस तरह की जाए, पंजाब के अंदर एक नई रिवायत को हमने कायम किया है कि आपका हक जो है वो आपकी दहलीज़ पे होगा। जिस तरह हमने आते ही रमज़ान अल मुबारक था तो हमने जो रमज़ान पैकेज थे वो लोगों के आवाम की दहलीज़ पे उनका दरवाज़ा खटका के उनको डिलीवर किए। और जिस तरह जो तमाम ज़रूरी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके लिए आपको दफातर के चक्कर लगाने पड़ते थे, रिश्वत देनी पड़ती थी, लाइंस में खड़ा होना पड़ता था, अपना वक्त सर्व करना पड़ता था, आज वो आप वो क्लिक करेंगे तो वो आपके घर पे इंशाअल्लाह ताला आपको डिलीवर होंगे। उसको हम और बेहतर बना रहे हैं। लेकिन सबसे आज खुशी की बात ये है कि आज मॉडल बाज़ार ने भी अपनी होम डिलीवरी सर्विस जो है वो शुरू की है। आपने अब घर बैठ के जो ख़वातीन हैं जिनका बाज़ार कोई जाने वाला नहीं है और रियायती निरखों पर कम रेट्स के ऊपर अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो सब्ज़ी है, गोश्त है, फ्रूट है, दालें हैं, आटा है, कुछ भी है, अगर आपको उसकी ज़रूरत है तो आप एक कॉल करें या ऐप पे जाके क्लिक करें, अपना ऑर्डर करें, आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो तमाम चीज़ें जो हैं वो डिलीवर होंगी इंशाल्लाह ताला। तो ये सर्विस हमने लाहौर में शुरू कर दी है और अभी पंजाब के बाकी शहरों में भी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि ये जो फ्री डिलीवरी सर्विस जो है इसके जो रनर्स हैं वो पीछे बच्चे खड़े हैं मोटर बाइक्स के साथ, आपके घर की दहलीज पर जो रियायती नुस्खों पर सारा आपका किचन का सामान अवेलेबल होगा इंशाल्लाह ताला। आज मैं यहाँ जब आई तो मुझे ख़्याल आया कि एक शख्स कहा करता था कि मैं आवाम के लिए आलू प्याज टमाटर के रेट पता नहीं करने नहीं आया। तो आप यकीन करें कि मेरे दिन का ज़्यादातर हिस्सा आलू प्याज टमाटर आटे के रेट कम करने में लगता है। पूरा दिन का मेरा जो हिस्सा है वो इसी में लगता है। मेरे ऑफिस के अंदर एक स्क्रीन है, लाइव स्क्रीन है, जिसके ऊपर तमाम रेट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं। उसमें आलू प्याज टमाटर चिकन आटा दालें फ्रूट सब के रेट्स चल रहे होते हैं और मैं उसको लाइव देख रही होती हूँ। और जहाँ मुझे पता चलता है कि किसी चीज़ में इजाफा हुआ है तो मैं फ़ौरन पूछती हूँ कि इसकी क्या वजह है। और पहली बार देखिए, महंगाई एक दफ़ा जब हो जाती है तो उसको वापस जो लाना बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला का फ़जल ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, और सिर्फ ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत में होता है कि लोगों के लिए जो उनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनके खाने पीने की अशियाएँ, उनके रेट्स कम होते हैं। कभी नहीं सुना कि 25-30 रुपए पे रोटी हो और वो 12-13-14 रुपए पे आ जाए, कभी सुना आपने ये? उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद जब वज़ीर आज़म थे तो मेरे दादा मरहूम उनको ये कहा करते थे कि आटे की रोटी की कीमत आपने बढ़ने नहीं देनी। और आज मेरे वालिद रोज़ मुझे ये जो हिदायत करते हैं कि आपने आटे की कीमत जो है, रोटी की कीमत जो है वो बढ़ने नहीं देनी। उसकी वजह ये है कि गरीब जो है वो सिर्फ रोटी खाता है, रोटी के साथ वो कुछ भी खा लेता है लेकिन वो रोटी खाता है। तो मेरी पूरी तवज्जो ये होती है कि इसी चीज़ पे होती है कि आटे की और रोज़मर्रा की जो अशिया है उनकी कीमतें हम बढ़ने ना दें। तो महंगाई में यकीनन कमी हुई है, शहबाज शरीफ साहब को चंद मुश्किल फ़ैसले करने पड़े हैं, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी वजह है कि जिस पिछले 4-5 साल में जो इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ है, जो इकॉनमी के साथ हुआ है, जो आपके मुल्क की मईशत के साथ हुआ है,
जहां पर ये लोग आ गए थे जो कहते थे कि हमने आलू प्याज टमाटर के रेट पता नहीं करने, उन्हीं की इस नाअहली की वजह से, लापरवाही की वजह से आज मुल्क के जो हालात हैं उसका जिसका आवाम को सामना है ये उन्हीं की वजह से हुआ है। लेकिन हम वो लोग नहीं जो चार साल ये रोना रोते ने जी वो ये पिछले लोग ये कर गए थे तो आज ये हो गया, हालांकि उनको एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान मिला था, हमें तरक्की करता हुआ पाकिस्तान नहीं मिला। हमें नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 18 तक जो तरक्की हुई थी उसके बाद तनज़ली की तरफ जाता हुआ पाकिस्तान मिला था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ना सिर्फ डॉलर स्टेबलाइज हुआ है, इकॉनमी स्टेबलाइज हुई है, महंगाई में कमी आने लगी है। तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ मुश्किल फैसले उनको करने पड़े हैं जो हमारे दिल पे ज़्यादा गरां गुजरते हैं, क्योंकि आवाम पे जब कोई टैक्स लगता है या आवाम पे जब कोई तकलीफ़ आती है तो उसकी ज़्यादा हमें उसकी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं इंशाल्लाह ताला जो कुछ भी हम कर सकेंगे हम कर रहे हैं, करेंगे भी। बिजली के बिल बढ़े हैं तो हमने एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हम सोलर मंसूबा जो है वो पंजाब लेके आ रहा है, जो 0 to 200 यूनिट्स के यूज़र्स हैं उनको तो उनको पहले भी बिजली सब्सिडाइज रेट्स पे मिलती है, हम उनको फ्री सोलर देने लगे हैं। और 200 से 500 यूनिट्स तक के जितने भी यूज़र्स हैं उनको इंशाल्लाह ताला हम सोलर पूरा एक सोलर सिस्टम देंगे जिससे उनके बिजली के बिलों में कम से कम 50% जो है वो कमी होगी इंशाल्लाह। और 5 साल के बाद जब वो अपनी एक साथ आसान एक साथ है, हमने ज़्यादा एक साथ नहीं रखी, वो एक साथ को वो जो किस्त आप देंगे महीने की वो हमने इंक्लूड की आपके बिल के अंदर, यानी कि उसको डाल के भी आपका जो बिल है वो तकरीबन 50% कम होगा। और उसके बाद 5 साल के बाद वो सोलर सिस्टम आपका होगा और आपको हमेशा के लिए जो महंगे बिल्स हैं उनसे निजात मिलेगी। तो ये हम लॉन्च करने जा रहे हैं, ये तकरीबन कोई 50 लाख के करीब ये यूज़र्स हैं 500 यूनिट्स तक के। तो इंशाल्लाह ताला हम सब को केटर करेंगे, ये तकरीबन 600-700 बिलियन रुपए का मंसूबा है। और इस पे आज अभी मेरी ऑफिस में जाके पहली मीटिंग मेरी इसी पे है, उसको हम उसकी नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं। कल नवाज शरीफ साहब ने मुझे कहा है कि मुझे फाइनल प्रेजेंटेशन दो, वो गो हेड देंगे, हम इसको इंशाल्लाह ताला लॉन्च कर देंगे। मैं आज एक और बात करना चाहती हूँ, ये जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, जब इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। पता नहीं कौन सी ऐसी नज़र है जो इस मुल्क को लग जाती है, चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फ़ैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट 82,000 पे पहुंची, 82,000 पे, ये बिला वजह नहीं होता, ये एक सेंटिमेंट होता है मार्केट में जिसमें लोगों का एतमाद होता है हुकूमत के ऊपर कि ये हुकूमत कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, जिससे चीज़ों के अंदर बेहतरी आ रही है, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी आ रही है। तो अब आप देखें ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है, मुस्लिम लीग नून को 3 हुकूमतें मिली, तीनों हुकूमतों में तरक्की के नए रिकॉर्ड उसने कायम किए, खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम किए, दुनिया ने उसकी गवाही दी। और एक शख्स ऐसा है जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, 4 साल में तरक्की करते हुए मुल्क को नीचे लाने के लिए भी बहुत बड़ी नाअहली की ज़रूरत है, वो उससे भी बड़े नाअहल थे। आज जो हमारे हालात हैं मुल्क की इकॉनमी के, आज जो हमारे हालात हैं आवाम के ऊपर जो तकलीफ़ें आई हुई हैं, ये उसी 4 साल का नतीजा है जिसके अंदर IMF को तो नवाज शरीफ ने वो प्रोग्राम सक्सेसफुली ख़त्म करके उसको खुदाफिज़ कह दिया था। वापस IMF को लाने वाला कौन है? वही है जो आज अडयाला जेल में बैठा हुआ है, अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। तो मैं हैरान हूँ जब आज जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया
जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आईन को रीराइट किया है। आईन क्या कहता है? आईन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। यानी कि जो पहले एफिडेविट आपने जमा कराया है वो नहीं, हमारे पसंद का नहीं, हमारी पसंद की जमात को ज्वाइन करेंगे तो बात बनेगी। मैंने तो इस तरह की कभी, एक उमर अता बंदयाल साहब ने आईन को रीराइट किया था, एक मैंने अब देखा है कि आईन और एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, कौम की जो आज जो तकलीफें हैं, जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं बतौर मुल्क और बतौर काम, वो उसका उसका जिम्मेदार है। आप देखें उसको लाने के लिए आईन को रीराइट कर रहे हैं। मैं तो मतलब अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीज़ों को, कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर एक एफिडेविट जमा करा चुके हुए हैं। उनको कहा गया कि नहीं वो एफिडेविट ठीक नहीं है, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करो। मुझे तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन है जिनको आज मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा और उसके लिए वो आईन को रीराइट कर रहे हैं। बड़ी आज खैबर पख्तूनख्वा में 11वां साल है उनकी हुकूमत को, क्या कर लिया खैबर पख्तूनख्वा में? पाकिस्तान का 4 साल में जो बेड़ा गर्क किया है वो खैबर पख्तूनख्वा में 11 साल हो गए हैं, एक सड़क आपको नज़र नहीं आएगी, एक काम आपको नज़र नहीं आएगा। यकीन माने, अभी मैं गई हुई थी खैबर पख्तूनख्वा, ये जो 2 छुट्टियाँ थीं तो मैं हैरान रह गई, जहाँ पंजाब ख़त्म होता है और खैबर पख्तूनख्वा शुरू होता है वहाँ पर तरक्की ख़त्म होती है और तनज़ली शुरू होती है। तकलीफ होती है देख के, खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, मेरा मुल्क है, उसके अवाम भी पाकिस्तान के अवाम है, तरक्की उनका भी हक है, अच्छी ज़िंदगी उनका भी हक है, लेकिन नाअहली आप देखें, सिर्फ सियासी नारेबाजी, सिर्फ बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी, नाअहली, नालायकी और अपनी फ़राइज से बतौर सियासी जमात अपने फ़राइज से मुजरिमाना गफलत, इसके अलावा और है क्या इनके पास? और अगर एक हकूमत आ गई है जो मुल्क को बहरान से निकाल रही है, इकॉनमी को स्टेबलाइज कर रही है, आवाम की तकालीफ दूर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और अगर इसने किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाए। 2017 में भी ये फैसले हुए थे, तरक्की करता हुआ मुल्क एक पैनामा जैसे बदनाम ज़माना फैसले की वजह से मुल्क डिस्टेबलाइज हो गया और आज तक तो संभलने में नहीं आ रहा। तो खुदा रहा इस मुल्क पे रहम करें, इस कौम पे रहम करें। और मैं आवाम को भी कहूँगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं करने होते, आपको आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, यहाँ आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होते। और जहाँ आप अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है, तो आईन और कानून का कत्ल होता है और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप ज़िम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी आँखें और कान खुले रखें, अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचाने। बहुत हो गया, 76 साल हो गए हम इन्हीं चीज़ों में उलझे हुए, अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। एक जमात जिसका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, गाली गलौज करना है, पता नहीं वो किधर से लॉन्च हुए हैं,
किधर से उनको पैसा आता है। आप देखें कभी मुल्क के लिए बात नहीं करेंगे, करेंगे तो गालम गलोच करेंगे, बदतमीजी करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट से बाहर हो। और आज उन लोगों को ये कोर्ट्स बेल्स दे रही हैं जिनको, और उनको मासूम बना के पेश किया जा रहा है, बेगुनाह बना के पेश किया जा रहा है। मैं भी खातून हूँ, अगर कोई खातून बेगुनाह जेल में जाती है तो मुझे भी तकलीफ होती है क्योंकि मैं बेगुनाह जेल भुगत के आई हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक औरत ने इस मुल्क और कौम पे हमला किया है, इस मुल्क की तनसीबात पे हमला किया है, आग लगाई है, इंतशार फैलाया है, और आप उसको कहें वो मासूम है। उस बेचारी को 2 साल हो गए जेल में बंद हुए। भाई क्यों जेल में बंद हुए हुए साल हुआ? अपनी हरकतों की वजह से हुआ है। आपने जो जुर्म किए हुए हैं वो पूरी कौम ने टीवी पे देखा है। किसने नहीं देखा कि इन्होंने मुल्क में आग लगाई? किसने नहीं देखा कि इन्होंने शहदा के ऊपर हमला किया? किसने नहीं देखा कि इनको मौका, जब मौका मिला, इन्होंने आग और खून का इंतशार का खेल खेला? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही? उनको रिलीफ देने के लिए आईन और कानून का हुलिया बिगाड़ के रख दिया। तो मैं तो बोलूंगी, मेरा मुल्क है, मुझे तकलीफ होती है, आप सबको भी बोलना चाहिए। इसको लाइंग डाउन, आंखें बंद करके, इसके ऊपर कान और आंखें बंद नहीं करने चाहिए। ये हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, कौम की भी जिम्मेदारी है। तो मैं एक दफा फिर आपको, आपको अफजल खोखर साहब और आपकी टीम को शाबाश देती हूँ। कौम से फिर वादा करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हम यहाँ पर हैं, इन ओहदों पे हैं, सदा ओहदों पे किसी ने नहीं रहना, जब तक हम इन ओहदों पे हैं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए तरक्की जो है, खिदमत है, उसकी नई मिसालें हम कायम करते रहेंगे। अभी मुहर्रम उल हराम 9th और 10th मुहर्रम गुजरे हैं, आशूर जो है वो यौम आशूर गुजरा है। तो मैं पंजाब की पूरी इंतज़ामिया को, पुलिस को, अपने कैबिनेट मेंबर्स को, जिनमें से कुछ यहाँ तशरीफ़ भी रखते हैं, उनको भी शाबाश देना चाहती हूँ। मैं रेस्क्यू 1122 को, वासा को, तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको शाबाश देना चाहती हूँ कि मिसाली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको आवाम के लिए आसानी के साथ उसको कायम रखा। तमाम कैबिनेट मेंबर्स जो थे वो फील्ड में थे, एक एक कैबिनेट मेंबर की ड्यूटी लगी हुई थी एक एक डिवीजन के अंदर, तमाम फील्ड में थे। और 10वीं मुहर्रम का जो आखिरी जुलूस था, जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया पूरे मन तरीके से, कैबिनेट मेंबर्स अपने घर नहीं गए। और उसके अलावा जितने हमारे कमिश्नर्स हैं, डीसीज हैं, एसीज हैं, हमारे आरपीओज हैं पुलिस के, डीपीओज हैं, तमाम ने फील्ड में रहे, ग्राउंड पे रहे, अवाम के साथ रहे, उनकी हिफाजत करते रहे, उनके लिए आसानियां पैदा करते रहे। और ये पहला मुहर्रम है जिसमें हुकूमत पंजाब ने, जो इज्जादारान हैं उनके लिए हमने सबीलें लगाईं, शरबत की सबीलें लगाईं, उनके लिए जो खाना है वो फराहम किया और न्याज फराहम की, क्योंकि ये सब अल्लाह ताला की मखलूक है, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। कौन किस फिरके से ताल्लुक़ रखता है ये देखना मेरा काम नहीं है, अवाम के लिए सहूलत पैदा करना मेरा काम है, इंशाअल्लाह ताला वो मैं करती रहूँगी। और मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि ये पहला, प्रॉबेबली पहला मुहर्रम उल हराम है जिसके अंदर हमने जो सेलुलर सर्विसेज हैं और इंटरनेट है उसको बंद नहीं किया, सिर्फ जहाँ जहाँ पर एक हाई रिस्क सिचुएशन थी, जहाँ पर हाई अलर्ट था, उन इलाकों के अलावा हमने आवाम की सहूलत के लिए फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं की। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली अमनो अमान रहा सूबे के अंदर। ड्रोन कैमरा से पहली बार हमने तमाम जो जुलूस थे, मजालिस थी, हमने उनकी जो प्रोटेक्शन थी, सिक्योरिटी थी, वो की। हमने ड्रोन उड़ते रहे, देखते रहे उसको, हमने हर शहर के अंदर हमने एक कंट्रोल रूम कायम किया था जिसको हमने लिंक किया था सेंट्रल कंट्रोल रूम लाहौर से। एक एक लम्हा हम मोनिटर करते रहे, एक एक लम्हा हम उसको देखते रहे, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर और आफियत से ये अपने अंजाम को पहुँचा। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान के दुश्मनों से, पाकिस्तान का बुरा चाहने वालों से, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने वालों से
इस मुल्क को महफूज रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब।